सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर भारत की सबसे बड़ी अदालत ने अभी हफ्ता भर भी नहीं हुआ ये कहा कि ईवीएम पर तमाम याचिकाएं हम खारिज करते हैं, अब ईवीएम पे कोई सवाल नहीं उठेगा, कोई पीआईएल इस पे नहीं आए। ईवीएम दुनिया में सबसे बेहतरीन व्यवस्था है चुनाव का और हम पीछे नहीं जा सकते। जो चंपुओं की टीम ने जर्मनी से तुलना किया वो एक जर्मन शेफर्ड को लाया गया है, उस पर भी थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। वैसे हमने एक शो शाम का किया है, उस जर्मनी से भारत की तुलना कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी इस एजेंडे को भी खंडित कर दिया। इसके बावजूद जब ये पूरक उनका एजेंडा फेल हो गया ईवीएम को लेकर के, तो एक नया खेल किया गया। अभी दो दिन पहले, आप कल चुकी नहीं थे तो हमने इस विषय को रोक दिया, अभी दो दिन पहले इलेक्शन कमीशन का सर फाइनल आंकड़ा आया, आपने भी देखा होगा और कई व्यूअर्स ने भी मुझे साझा किया। अब इस फाइनल आंकड़े में यह बताया गया कि फर्स्ट पेज और सेकंड फेज का, सॉरी फर्स्ट पेज, अभी तो ये तो खैर रायबरेली का है, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज का जो आंकड़े आए हैं वो लगभग 62% के आसपास है। उसको लेकर के अब एक नैरेटिव गढ़ा जाने लगा है, एक खेल किया जाने लगा है कि ये जो आंकड़े हैं इलेक्शन कमीशन इतनी देर बाद क्यों लिया, इसका मतलब कुछ ना कुछ खेल हो रहा है, ये कुछ ना कुछ साजिश है। इको सिस्टम अब इस स्तर पर क्यों लग गया सर? मैं मनीष जी, इको सिस्टम पे तो अभी आता हूं बाद में कि ये तो कि अपनी जान बचा रहे हैं, लेकिन ये जो चुनाव आयोग है इससे शिकायत तो है। दर्शकों को याद होगा जिस दिन रिजल्ट आया, रिजल्ट कह रहा हूं, जिस दिन का काउंटिंग खत्म हुई, वोटिंग खत्म हुई, वोट पड़ गए, तो हम लोगों ने यही कहा था कि अभी जो है 2-3 दिन लगेंगे इसके अंतिम आंकड़ा आने में और उसके बाद ही सही स्थिति क्लियर होगी। अभी एक अपना एक अनुमान हम लोग बता रहे हैं, असली सही आंकड़ा आ जाए उसके बाद बात करते हैं। और ये पहले चरण के बात की थी और उसका 11 दिन बाद ये आंकड़ा आ रहा है। मनीष जी, मैं अभी इन खैरातियों को चारा कैसे उपलब्ध कराया जा रहा है, ये चुनाव आयोग में जो बैठे अधिकारी हैं इनमें काली भेड़े कौन है, ये जरा हम लोग की बात अगर पहुंचती है तो पहले सरकार उसको तय करे। अभी खैरातियों की तो भी इनकी धज्जी उड़ जाएगी, ये जो कुछ कह रहे हैं उसका कोई सिर पैर नहीं है। लेकिन मनीष जी, उस दिन भी मैंने कहा था जब हम लोगों ने कम वोटिंग की बात की थी कि 7 चरण के चुनाव में 7 दिन वोटिंग होनी है, उनमें 6 दिन ऐसे हैं जहां 3 दिन छुट्टियां हैं। जाहिर सी बात है, पूरा मौका है कि तुम गायब हो जाओ, अपने काम निपटाओ। तो ऐसी एक तो इस दिन पोलिंग तय करने वाला वो कौन अधिकारी है, किसका ये मास्टरमाइंड काम कर रहा है, और दूसरे मनीष जी 11 दिन बाद, यानी पहले चरण के ये कितने वोट पड़े इसका आंकड़ा देश के सामने 11 दिन बाद प्रस्तुत कर रहा है चुनाव आयोग। निश्चित इनसे पूछताछ होनी चाहिए, पूछताछ नहीं, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये कौन सी भांग खाकर ड्यूटी अपनी कर रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है। ये 2-3 दिन का लगता है समय, क्योंकि आती है पोलिंग पार्टी आती है अलग अलग गांवों से, अलग अलग इलाकों से, और उनका कंपाइल करने में 2-48 घंटे माना जाता है। लेकिन ये पहले चरण का आंकड़ा देने में इनको 11 दिन क्यों लगे? मनीष जी, ये साजिश के तहत लगे। और ये जो 8 की तारीख में खैराती ये अपना चला रहे हैं, चारा एक अभियान चला रहे हैं, पूरी चुनावी प्रक्रिया को जो लांछित कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, वो मौका देने के लिए चुनाव आयोग ने 11 दिन लगाए। मेरा सीधा सीधा आरोप है, और चुनाव आयोग के अंदर कोई काली भेड़े बैठी हैं जिन्होंने जानबूझकर मोदी सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाने के लिए और विपक्ष को, खासकर इन खैरातियों को मौका देने के लिए ये 11 दिन लगे। मनीष जी, इनको पहले चरण का चुनाव, पहले चरण में कितने वोट पड़े ये बताने में इनको 11 दिन लगे, ये असंभव है। और ये सिवाय षड्यंत्र या साजिश के दूसरा कोई काम नहीं है। और मैं साजिश क्यों कह रहा हूं अभी बताता हूं मनीष जी, ये पहले आ जाए जरा इन खैरातियों पे, उसी में साजिश समझ में आ जाती है। ये जो खैराती कह रहे हैं कि ये इसी में खेल हो गया, इसी में और बेमानी, एक तरह सीधे सीधे बेमानी हो गई, वो ईवीएम मशीन बदल दी गई, ये तो कहा, ये कह रहे हैं कि ईवीएम मशीनें बदल दी गई, ये कहा जा रहा है। मनीष जी, जो लोग वोट डालने जाते होंगे अगर वो थोड़ा ध्यान से देखते होंगे, या जो राजनीति संबंधित है वो तो बहुत अच्छे जानते हैं, या जो पत्रकारिता रिपोर्टर रहे हैं, संवाददाता रहे हैं, जर्नलिज्म से जुड़े हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि हर बूथ पर एक एजेंट बैठता है पॉलिटिकल पार्टी का, और इर्दरी निर्दरी तो छोड़ दीजिए, लेकिन 2-3 पार्टियां जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा, कांग्रेस और भाजपा, ये 4 पार्टियां हैं जिनके हर बूथ में पोलिंग एजेंट होते हैं, और अगर मान लीजिए 2 के नहीं भी हैं तो
तो दो के तो होते हैं, भाजपा का तो, भाजपा का पोलिंग एजेंट हर बूथ पे होता है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का भी पोलिंग एजेंट हर बूथ पर होता है, ये मैंने हमेशा देखा है। और इवन दिन चाहे जितनी खराब हालत में हो, कैडर है उनके पास, तो पोलिंग एजेंट बसपा का भी बैठता है। और शाम को मनीष जी जब बूथ पर पोलिंग खत्म होती है तो वो जो जो बूथ का इंचार्ज होता है वो उन पोलिंग एजेंटों के सिग्नेचर लेता है कि आज इतने वोट इस यहाँ पर इस बूथ पे इतने वोट पड़े, और उसकी एक कॉपी होती है, वो सारे नोट करते हैं और वो सिग्नेचर करके वो आंकड़ा देते हैं। और ये आंकड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है कि जिस समय ये, क्योंकि मैंने काउंटिंग भी देखी है, कम से कम 3-4 काउंटिंग देखी है लोकसभा की, विधानसभा की, कि मनीष जी जिस समय वो मशीन खोली जाती है जहां पे वोट पड़ा है, तो वो जो जो उस दिन फिगर नोट की गई थी कि इस मशीन में इतने वोट पड़े, वो बाकायदे बताता है उसके, उसकी सील खोलने से पहले कि इस मशीन में इतने वोट हैं। तो वो एजेंट जो पार्टियों को बैठे थे उनके पास वो आंकड़ा होता है कि हाँ इस मशीन में 900 वोट पड़े या 980 वोट पड़े, उसके बाद वो मशीन खोली जाती है। तो इसमें कहां मशीन बदल गई, कहां कहां खेल हो गया, तो इन खैरातियों को तो मैंने कहा इनके बाल पकड़ के हाथ में जूता लेके इनसे बात कर लीजिए, क्योंकि आम आदमी इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता, आम आदमी अनभिज्ञ होता है, तो ये सरासर सफेद झूठ बोलकर, वो तो उसमें तो खेल हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस दिन वो मशीन खुलेगी उसमें कितने वोट पड़े हैं ये वोटिंग वाले दिन तय हो गया। आज जिनके 26 अप्रैल को जिन मशीन पे वोट, जिस जिस मशीन पे वोट पड़े हैं, हर मशीन पे कितने वोट पड़े हैं, ये बाकायदे उस पार्टी के पोलिंग एजेंटों के दस्तखत के साथ तय हुआ है। वो उस काउंटिंग के समय वो चार्ट उसके पास होता है, वो कागज उसके पास होता है कि इस मशीन में 900 वोट पड़े हैं, 1000 वोट पड़े हैं, 1200 वोट पड़े हैं। तो उस संख्या में कोई हेर फेर या कोई गड़बड़ी हो ही नहीं सकती, ये एक चेक एंड बैलेंस है और ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है। तो ये ईवीएम बदल दी गई, ये सरासर सफेद झूठ बोल रहे हैं, और संभवतः ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये इसीलिए बैलेट की बात करते हैं कि मनीष जी आपको अच्छे से याद होगा कि उस जमाने में होता था कि पूरे पूरे ट्रक बदल जाते थे, पूरे पूरे ट्रक बदल जाते थे बैलेट बॉक्स के, कि वो जिसपे बैलेट बॉक्स लगते गए वो ट्रक कहीं और चला गया, नकली वाला ट्रक आ गया जिसमें नकली होते थे या फर्जी वाले वोटर होते थे, फर्जी वोट होते थे। और उसको इसीलिए जिन्होंने, मैंने वो भी गिनती देखी है, ये भी बता दूं, मैंने बैलेट बॉक्स की भी गिनती देखी है कि उसमें कहीं बूथ वाइज बैलेट नहीं गिने जाते थे, वो इसीलिए क्योंकि कांग्रेस ने सिस्टम बना रखा था कि आती थी वो बैलेट बॉक्स आते थे और पलट दिए जाते थे टेबल पे, और उसमें कई कई बैलेट बॉक्स का ढेर बना के बाद में गड्डी बनती थी तब गिनती शुरू होती थी। तो इन्होंने तो उस काम को खत्म कर दिया था, अब ये कुकर में ये कर नहीं सकते, ईवीएम में हेर फेर कर नहीं सकते, छेड़छाड़ कर नहीं सकते। तो अब इन्होंने पहले लगाया कि ईवीएम में हैक हो जाती है, जब इस पे इनका मुंह काला हो गया तो अब ये सिगुफा लेके आए, लेकिन इनको ये सिगुफा किसी और ने नहीं दिया, मोदी सरकार ने नहीं दिया या किसी पार्टी ने नहीं दिया, भाजपा ने नहीं दिया, इनको ये सिगुफा चुनाव आयोग में बैठे किसी काली भेड़ ने दिया है, और वो बड़ा है क्योंकि उसने इस प्रक्रिया को इतना लंबा कर दिया। तो ये छोटे मोटे क्लर्क या छोटे मोटे अधिकारी का ये काम नहीं है, ये निश्चित तौर पर शीर्ष पर बैठा कोई व्यक्ति है जिसने जानबूझकर 11 दिन लगाए इस देश को ये बताने में कि पहले चरण में कितने वोट पड़े थे। तो क्यों लगाए हम लोग का, क्योंकि मनीष जी अक्सर कहते हैं कि हम लोग का कार्यक्रम सुना जाता है, हमारी बात सुनी जाती है, तो ये बात पीएमओ तक पहुंचे कि ये इसकी जांच जरूर कराएं, चाहे सीबीआई से कराएं और चाहे एनआईए से कराएं, क्योंकि ये बहुत खतरनाक मामला है मनीष जी। जिस तरह से खैराती उस 11 दिन के विलंब को मुद्दा बनाकर देश में अविश्वास पैदा कर रहे हैं, चुनाव आयोग के प्रति अविश्वास पैदा कर रहे हैं, सरकार के प्रति अविश्वास पैदा कर रहे हैं, पूरी प्रक्रिया के प्रति अविश्वास पैदा कर रहे हैं, तो ये छोटी मोटी साजिश नहीं है। और निश्चित तौर पर उस आदमी को सामने आना चाहिए, या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त जो है इस देश का, उसको आकर एक दो दिन के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, क्योंकि पिछले 2 दिन से देश में भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये विलंब क्यों हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है। क्योंकि मनीष जी मैं भी चौंका था जिस दिन वोटिंग हो रही थी, मैंने देखा कि 5 बजे आया कि पीलीभीत का वोट पड़े हैं 52%, और उसके बाद 9 बज गया तब तक वो 52-53% थे। तो वो आखिरी घंटे में या आखिरी घंटे के बाद के वोट कहाँ थे वो? तो जानबूझकर लोगों में भ्रम पैदा करना, ये इसका जिम्मेदार आदमी चुनाव आयोग में बैठा है, जिसकी इन खैरातियों के साथ, मोदी विरोधियों के साथ और देश के खिलाफ साजिश करने वाले विदेश में बैठे आकाओं के साथ साजिश है, उसको निश्चित तौर पर पैसा दिया गया है कि इन खैरातियों की तरह घुंघरू बांध के तुम नाचो और इनके हाथों में मुद्दा थमाते रहो।
तो ये बहुत कठोरता से इसकी जांच होनी चाहिए। और बिल्कुल, ये जो खैराती नाच रहे हैं, तो वो मैंने बता दिया कि वो तो हर जिस दिन पोलिंग खत्म होती है उसी दिन हर पार्टी का एजेंट जो होता है वो बूथ एजेंट, और उसके बाद पोलिंग एजेंट होता है, वो पोलिंग एजेंट उस पर दस्तखत करता है कि इस पोलिंग स्टेशन पर इतने वोट पड़े, और उसमें खाली एक पार्टी नहीं, अगर चार पार्टी के हैं तो चारों पार्टी के एजेंट उस पर दस्तखत करते हैं, उनके पास अपनी एक लिस्ट होती है, वो दिन भर बैठे मिलाया करते हैं। तो इसलिए ये जो दर्शकों को बता दूं कि इसको लेकर आप कतई भ्रमित मत होइए कि वो ईवीएम मशीन बदल दी गई और पूरे पूरा खेल हो गया, तो ये खेल नहीं हो गया, खेल तो इनके इनके सर पर चमेली तेल मल दिया गया है। और वो जो आखिरी आंकड़ा आया है कि दोनों चरणों में, पहले चरण में भी 66.14 है शायद, और दूसरे चरण में 66.71, यानी दोनों चरणों में 66% से ज्यादा वोटिंग हुई है। तो मैं तो पहले हम लोग बता ही चुके, वो आंकड़ा हम लोग दिखाएंगे 4 जून को, लेकिन मैं आज फिर कह रहा हूँ कि इनके ताबूत में दो दो कीले बड़े आराम से ठुक गई, अभी आखिरी कीले सातों ठुकेंगी। 66% वोट का मतलब इनकी इनका श्राद्ध राध हो गया, इनका श्राद्ध गया सब हो गई, और इसीलिए सनसनीबाज हो चाहे वो गंदौर यादव हो, अब ये उलूल जुलूल बकरे जिसमें इनको चुनाव आयोग ने थोड़ी मदद कर दी।